नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसान चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदामा इंडिया कंपनी का जमीर के बारे में। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत अच्छा फफूंदनाशक है जो कि जमीर काफ़ी अच्छे से काम करता है हमारे फसलों पर। अब बात आती है कि इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल आते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो टेक्निकल आते हैं उनका नाम मैं आपको बताऊँगा और ये किस प्रकार से काम करते हैं और ये कौन कौन से फसल पर हमें रिजल्ट अच्छे देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये कौन कौन से फंगस को अच्छे से कंट्रोल करते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्रति एकड़ डोज क्या लेना है, प्रति लीटर कितने ml पानी में हमें जमीर फंगिसाइड को मिलाना है और इसके मार्केट में क्या कीमत है और हमें कितने दिन तक रिजल्ट देता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। अदामा इंडिया कंपनी का जो जमीर आता है उसके अंदर जो टेक्निकल आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें दो प्रकार के टेक्निकल आते हैं, मतलब दो टेक्निकल आते हैं। इसमें से पहला है टिबिक्नोजोल जो कि 13.3% आता है और दूसरा है प्रोकलो रेंज जो कि 26.7% SC फार्मूलेशन के साथ में आता है। SC फार्मूलेशन मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट आता है। अब आगे बात करें कि जो दोनों टेक्निकल है वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो किसान भाई, ये जो दोनों टेक्निकल है वो हमारी कोशिका झिल्ली, कोशिका भक्ति यानी कि सेल वॉल की जो चेन होती है उसे रोक देता है। फंगस की जो कि प्रोसेस होती है उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे कि फंगस जो है वो अपनी नई जनरेशन या नया फंगस उत्पन्न नहीं कर पाती है, उस वो क्रिया जो है वो नहीं फैला पाता है। तो इससे क्या है कि हमारे जो फंगस है वो वहीं पर रुक जाती है। इससे हमें फ़ायदा मिलता है, आने वाली फंगस को ये अच्छे तरीके से रोक देता है। ये एक सिस्टमेटिक फंगस है, मतलब अंतरप्रवाही फफूंदनाशक है। और किसान भाइयों, ये दोनों रचनाएं में हमारी फसलों पर काम करती है, मतलब प्रिवेंटिव और क्रिएटिव, मतलब निवारक और रोग निवारक, दोनों प्रकार से हमारी फसलों पर काम करती है। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तो कि प्रिवेंटिव और क्रिएटिव क्या होते हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिवेंटिव की। तो अगर आपके फसल के पत्तों पर कोई बीमारी आपको दिख रही हो तो उसे कंट्रोल करता है, मतलब प्रिवेंट करता है, होने से रोकता है। तो ये जो क्रिया होती है इसे प्रिवेंटिव कहते हैं। अब बात आती है क्रिएटिव की। तो ये जो एक बार जब आपके पूरे पत्ते की लेयर पर चला जाता है, उसके बाद अगर कभी उसके ऊपर कोई बीमारी अटैक करती है तो उसे रोकता है। ये जो क्रिया होती है दोनों तरीके से काम करती है, इसके अंदर ये काम होता है, तो उसे क्रिएटिव कहते हैं। तो किसान भाई, ये तो हो गया टेक्निकल के बारे में कि किस प्रकार से काम करता है। अब बात आती है कि ये कौन कौन सी फंगस को रोकता है, उसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से मैं बात करूँ तो अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम वेल्ट, फूट रॉट, डाउन रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, रूट रॉट के साथ साथ ब्लास्ट और रस्ट पर भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। और खासकर मिर्ची की फसल की बात करें तो मिर्ची में जो समस्या आती है गलने की, उसे भी काफ़ी अच्छे से ये कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं कि इसे कौन कौन सी फसल में डाल सकते हैं। तो किसान भाई, हरी मिर्ची में आप डाल सकते हैं, शिमला में डाल सकते हैं, आप खीरा में डाल सकते हैं, धान में डाल सकते हो, धान के लिए भी बहुत अच्छी दवाई है ये, प्याज में डाल सकते हो आप, अंगूर में डाल सकते हो, केला में डाल सकते हो, एप्पल में डाल सकते हो, आलू में डाल सकते हो, मूंगफली में डाल सकते हो, अनार में डाल सकते हो। मिर्च के लिए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इसके, आप मिर्च में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया फसल के बारे में। अब बात आती है इसका हमें डोज क्या लेना है। तो किसान भाई, इसकी डोज की बात करें तो प्रति लीटर 2 ml की दर से, यानी कि 1 लीटर पानी में आपको 2 ml डालना है। अब बात आती है कि एकड़ में किस हिसाब से हमें डोज लेना है। तो 150 से 200 लीटर पानी में आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आप डाल सकते हैं। और आपने जैसे ही स्प्रे किया तो लगभग 15 दिन तक हमारी फसल को फंगस से बचाए रखता है या रोकता है। 15 दिन तक का हमें रिजल्ट मिलता है। और अगर वही बात करें कि बारिश होने के बाद आपने स्प्रे किया तो लगभग कितने घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तो लगभग 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। यदि 2 घंटे के बाद बारिश हो भी जाती है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब इसके पैकिंग साइज की बात करें कि कितने कौन कौन से पैक में अवेलेबल मिल जाती है। तो 100 ml में आपको मिल जाएगी, 250 ml में आपको मिल जाएगी, 500 ml और 1 लीटर के पैक में ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस सभी मार्केट में अलग अलग मिलती है आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 1 लीटर का जो पैक आता है वो 900 रुपये में मिलता है। और किसान भाइयों इसकी वीकनेस के बारे में बात करें तो ये हाई टेम्परेचर पर आपको रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पर इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यदि आपके यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो तो पहले सिंचाई करें फसल को, उसके बाद इसका उपयोग करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। और अधिकतर शाम के टाइम मतलब इवनिंग के समय 4 से 5 बजे इसका उपयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे आपकी फसल पर। और यदि मौसम साफ रहता है तो इसका जो रिजल्ट टाइम है वो भी बढ़ सकता है। और याद रखें इसको स्टिकर मिलाकर ही छिड़काव करें। आप इसे कीटनाशक दवाइयों के साथ भी मिक्स कर स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।